السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والاحسان وفضل ديننا على سائر الاديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عباده الاوثان اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد वाल महमद कम सल तै इब्राहिम वालब्राहिमाकमीदुमजीद मबारकाला महमद वाली महमद इनका मबारक ताल इब्राहीम वालब्रब्राहिमीद मजीद <laughs> महतरम नाजरीन आप तमाम का सच्चे वाक़ात नामी सीरीज़ के आठवें एपिसोड में इस्तबाल है खैर मकदम है खुश आमदीद है मैं आपको अहला वसाला मरहबा कहता हूँ आज के इस एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपके सामने उस हस्ती उस जात, उस शख्सियत के ताल्लुक से या उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या मैं आपके सामने ज़िक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शख्सियत सिद्दीक़े कायनात है जिस हस्ती की जिस शख्सियत की पाक दामनी इज्जत की गवाही अल्लाह ने आसमान से अर्श से दी है और जिसकी तारीफ में जिसकी पाकदामनी में कुरान मजीद की दस आयतें तकरीबन अल्लाह आलमीन ने नाजिल की उनकी तारीफ़ की उनकी मदर व सताइश की और उनको रुस्वा करने की कोशिश करने वालों को अल्लाह नेजाबलीम की अजाब अजीम की बड़े अजाब की खुशखबरी दी सज़ा सुनाई मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों की माँ हजरत सदीक़ अकबर रजी ताला तुकी की बेटी प्यारे रसूल सल्ला वम की प्यारी चहेती और उम्मत की अजीम फ़कीहा मुहद्दिसा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी ताला तह की जी हाँ बात है वाकया है गजवे मुरैसी से वापसी का प्यारे नबी सल सल्लाम अपने सहाबा का लश्कर साहबा की जमात लेकर वापस आ रहे हैं मदीना से करीब आप एक जगह पड़ाव करते हैं रुकते हैं और रुकने के थोड़ी देर के बाद ये कारवा ये काफ़िला मदीना अपने शहर अपने घर पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है सदीक़े का इनाज रज़ी अल्लाह इत्तेफाक से अपने हौदज में नहीं होती हैं हौदज किसे कहते हैं ऊंट उट या ऊंटनी पर बैठने के लिए एक कमरा नुमा हुजरा नुमा हिस्सा होता था या उसे बनाया जाता था जिसमें सदीक़ कायनात बैठती थी चूंकि भी छोटी उम्र थी हल्की फुल्की थी वज़न भी ज़्यादा नहीं था और उठा कर लेकर चलने वाले उस हौदज को लेकर चलने वाले ताक़तवर थे थे उन्होंने उठाया और काफ़िले के साथ चलते बने उन्हें एहसास नहीं हुआ इदराक नहीं कर सके कि इसमें सिद्दीक़ कायनात तआला ना हैं भी या नहीं फिर वो कहाँ थी वो अपना हार जो गायब हो गया था उसे तलाश करने के लिए निकली हुई थी कहती हैं मैं कज़ाए हाजत के लिए गई हुई थी मेरा हार गायब हो गया जब मैं वापस आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हार गायब है चुनान मैं हार तलाश करने के लिए उधर गई और इधर काफ़िले वाले चलते बने और किसी को महसूस नहीं हुआ कि मैं उस हौदज में हूँ कि नहीं हूँ अब माशा रज़ी अल्लाह हार तलाश करने के बाद आई काफ़िले को वहाँ नहीं पाया वहाँ पर बैठ गई कि कोई आएगा उसके साथ चली जाऊँगी इतफाक़ से हज़रत सफ़वान बिन मतल रज़ी अल्लाह उधर आए उधर पहुँचे उनकी ये ज़िम्मेदारी थी काफ़िले का कोई सामान कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो वो वहाँ पर तलाश करते थे छानते थे फटकते थे कि कुछ छूट तो नहीं गया है और फिर उसे छूटा हुआ सामान लेकर वो चलते थे और काफ़िले वालों से मिल जाते थे और सामान दे दिया करते थे इनकी ये जिम्मेदारी थी इनकी ये ड्यूटी थी इनके पास एक सवारी भी थी जब पहुँचे उस जगह पर हज़रत सफान बिन तो देखा अब मायशा रफ्दी अल्लाह पर्दे में थी लेकिन चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने हज़रत आयशा रजल्ला तैाल को देखा हुआ था इसलिए पहचान गए है साख्त से या उनको देखने के बाद उन्हें महसूस हो गया कि कोई और नहीं बल्कि अम्मा आयशा अम्मायशा रज़िया उन्होंने हाल हवाल दरियाफ्त की कि क्या हुआ कैसे हुआ बहरहाल बात समझ में आई सवारी पर उनको सवार किया और खुद उसकी नकील पकड़कर पैदल चल रहे हैं और अम्मा आयशा रजल्ला त सवारी पर सवार जब ये दोनों चलते चलाते चलते चलाते काफ़िले वालों से आगे जाकर मिल गए तो इत्तेफाक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबै इब सलूल भी था उसने इन दोनों को देख लिया और इन दोनों को देखा तो उसके जहन में उसके दिमाग में शरारत सूझी और उसने ये अफवाह फैला दी ये कहना शुरू कर दिया कि ये तनहाई ऐसे ही नहीं है ये दोनों काफ़िले वालों से कटकर ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। हो न हो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है इन दोनों ने कुछ ना कुछ गलत किया है हज़रत सफान को मालूम नहीं हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा इससे बेखबर है पता नहीं है और मदीना में ये अफवाह फैला दी गई कि सद्दीक़ कायनात रजियला तैना हज़रत अबूबकर सद्दीक़ रज़ी की बेटी हज़रत आयश ने गलत काम किया है मुसलमानों ने कान नहीं धरा इस अफवाह पर ध्यान नहीं दिया लेकिन कुछ मुसलमान जैसे हजरत हसान हजरत हमना बिनत जहश और हजरत मिसाबिन आसाशल ताल मजमा भी इसमें शामिल हो गए मुनाफिकीन का तो पूरा टोला इसमें शामिल था कि इन्होंने गलत काम किया है ये तीनों सहाबा भी इसमें शामिल हो गए इंसान थे और जब अफवाह फैलती है तो अच्छे अच्छे उसको सच और हकीकत समझ लेते इन्होंने भी उसको हकीकत समझ लिया जाहिरी दलील देख कर ज़ाहरी सूरत देख कर बहरहाल हुआ एक ही बात आगे बढ़ी मदीना में सब पहुँच गए हजरत आयशा की ताल को मालूम नहीं ये वाकया कि मेरे ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम लगा प्यारे नबी अलैहि वसल्लम को इसका इल्म है तकरीबन एक महीने तक आप इस गम इस परेशानी और इस इल्ज़ाम की वजह से आप मगमूम रहे परेशान रहे इतफाक़ से हजरत आयशाला एक दिन अपने घर से कज़ाए हाजत के लिए एक सहाबिया उम्मे मिस्ताह के साथ निकली उनका पैर चद्दर में फंस गया और वो गिर पड़ी तो उनकी ज़बान से निकल गया अल्लाह मस्त को ग़ारत करे, मिता बिन असासा जो इस अफवाह को जिन्होंने हकीकत समझ लिया था जो इसमें शामिल थे उन्हीं की ये माँ थी उम मत अल्लाह ते हज़रत आयशरत के साथ ख़जाय हाजत के लिए जा रही थी उनकी ज़बान से निकला अल्लाह मस्ता को ग़ारत करें हज़रत आयश रतल्ला तजुब हुआ कि ये अपने बेटे के लिए बदुआ कर रही हैं कहा उम मस्ता बात क्या है आप अपने बेटे के लिए बदुआ कर रही हैं कहा आयशा क्या आपको हकीकत मालूम नहीं क्या आप को इल्म नहीं है कि आपके साथ आपके नाम से मुतालिक मार्केट में समाज में मदीने की गलियों में क्या चल रहा नहीं मैं बेखबर हूँ मुझे नहीं मालूम क्या हुआ बताओ तो सही उन्होंने पूरा वाकया तफसील के साथ बयान कर दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ और किस तरीके से मेरा बेटा भी इस साजिश के अंदर शामिल हो गया बहरहाल वाक्य चला हज़रत आयशा रद्ल तखमूम परेशान रंजीदा इधर पैर नबी सल्लम हत आयशा से एक मरतबा कहते हैं आयशा अगर तुमसे ग़लती हुई है तो तौबा कर लो अल्लाह तुम्हारी ग़लती को माफ़ कर देगा और अगर तुम ठीक हो पाग दामन हो तुमने नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारे लिए वही नाजिल करेगा पाग दामनी की दलील नाजिल करेगा हत आयशा रजल्ला तहती मैंने कोई जवाब नहीं दिया वाक़ा चलता रहा हज़रत आयशा उद्ला त मगमूम और परेशान होकर अपने माँ बाप के घर चली आई इधर प्यारे नबी सल्ला वसम परेशान हैं एक मरतबा घर आए अल्लाह के नबी सल्ला वसम घर आए और घर आने के बाद यानी अपने ससुराल आए हज़रत बुबकर सद्दीक रद्ल तु के पास हज़रत आयशा रद्ल तय फिर से वही सवाल वही जवाब चलता रहा चलता रहा माँ ने कुछ नहीं कहा बाप ने कुछ नहीं कहा हज़रत आयशा रद्ल तहती हैं कि कई दिन गुजर चुके थे सब परेशान थे घर वाले मैं खुद मेरे शौहर प्यारे नबी वसल्लम सब परेशान कि मैं क्या देखती हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे शौहर पर वही की कैफियत तारी हो गई आपके चेहरे से पसीने के कतरे नमूदार होने लगे मुझे महसूस हुआ कि आप पर वही नाजिल हो रही है और हजरत जबरसला सलाम कुरान की कुछ आयतें आपको बता रहे हैं सुना रहे हैं समझा रहे हैं कहती हैं जब वही की कैफियत ख़त्म हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं आप खुश हैं ख़ुशी की वजह पूछी गई तो प्यारे नबी फरमाया आयशा खुश हो जाओ अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी के लिए तुम्हारी पाक दामनी के सिलसिले में कुरान की दस आयतें नाजिल की हैं और अल्लाह ने तुम्हारी बरात का ऐलान किया है तुम सच थी और मुनाफिकीन झूठे थे और वो कुरान मजीद की आयतें हैं सूर नूर की बिल इनदीन जाबिल्फ मिनकुम ला तबूशरकुम यहाँ से शुरू होकर वलफल आल को मरमत हुआ रूफ़रहीम तक ये दस आयतें अल्लाह रब्लम ने कुर मजीद के अंदर नाजिल की आसमान से अर्श से अपने मैसेंजर अपने पैगम्बर अपने कासिद हज़रत ज़ब्रैल सलातम को भेज कर तेरे नबी पर यह वाद किया कि आयशा गलत नहीं है आयशा पाक दामन है आयशा रबी अल्लाह तानिया नहीं है बदकार नहीं है फाहिशा नहीं है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है ये मुनाफिकीन का प्रोपेगंडा था ये इनकी ग़लती थी ये इनकी साजिश थी ये इनकी प्लानिंग थी और ये अपनी प्लानिंग में किसी हद तक कामयाब रहे मुसलमानों को अल्लाहबालमीन ने इसी पैराए में नसीहत की इन्हीं आयतों में कई बातों की नसीहत की कई बातों का पैगाम दिया लेकिन उन पैगाम को सुनने और समझने से पहले एक और चीज़ जो अभी बाकी थी इस वाक़े में वो चीज़ क्या थी जब वही की आयतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई पाक दामनी की बातें बताई कि अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी के सिलसिले में आयात नासिल की हैं तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताल कहती हैं मेरी अम्मी ने कहा कि बेटी उठो और अपने प्यारे नबी का अपने शौहर का शुक्रिया अदा करो हज़रत आयशा कहती हैं मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूँ मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं करती मैं शुक्रिया उसका अदा करूंगी कि जिसने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है मेरी पाक दामनी के लिए आयात नाजिल की है और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया हजरत आयशा रहा ने पैगाम क्या मिला मैसेज क्या मिला इस वाक़े से अल्लाह ने सबसे पहले तो सज़ा सुनाई वल तो किब रहू मिनह हम लहू अज़ाबुन अज़ीम कि जिसने भी इस प्रोपैगंडे को अंजाम दिया इस साजिश का जो सरगना सरखेल और लीडर और कायद था फरमालू अजाबन उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को सहाबा को नसीहत की और उन्हें याद दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए था लौला इस समय तुम नलमोमिना तो भी अनफुसिम खैरा कि जब मुसलमानों ने मोमिन मर्दों और औरतों ने जब ये बात सुनी तो इसे अपने लिए बुरा समझने के बजाय अच्छा क्यों नहीं समझा देखें सारे मुसलमान एक जान एक रूह की मानिंद हैं, एक जिस्म की मानिंद है किसी एक को तकलीफ पहुंचती है सारे मुसलमान उसकी तकलीफ में उसका साथ देते हैं अल्लाह ने कहा जब तुम मुसलमान हो जब तुम मोमिन हो तो एक मोमिना औरत को तकलीफ पहुंची तो तुम्हें ऐलान करना चाहिए कि जैसे हम गलत नहीं कर सकते जिना नहीं कर सकते फैश काम नहीं कर सकते ऐसे ही अल्लाह की बंदी भी ये मोमिना खातून भी गलत काम नहीं कर सकती तुम मोमिन हो तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए था कि तुम इनकी पाक दामनी का ऐलान करते इसे अपने लिए बुरा ना समझते बल्कि अच्छा समझते और ये कहते कि इन्होंने गलत काम नहीं किया जैसे हम नहीं करते उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाऊ अलैहि अरबात शुहदा देखें किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने के लिए या किसी के बारे में ये कहने के लिए कि फ़लाँ ने जना किया है आप अपने साथ तीन मज़ीद गवाह लाएंगे गोया कि चार गवाह आपके पास होने चाहिए कि फ़लाँ अब्दुल्ला ने रहमान ने या आयशा ने या फातिमा ने या फला ख़ातून ने या फलाँ मर्द ने ज़ना किया है मैंने देखा है ठीक है आपने देखा है लेकिन ये एक की इज़्ज़त का सवाल है एक के इज्जत का और उसके वक़ार का सवाल है लिहाजा शरीयत ये कहती है किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने का आपको हक नहीं है आपने गर्चे देखा उसने गलत भी किया है लेकिन चूंकि इज्जत का सवाल है इसलिए आप अपने अलावा तीन मजीद गवाह और लेकर आएंगे इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने इसी सूरह के स्टार्टिंग में कहा वलिनती फरमाया जो किसी पाक दामन औरत पर जना का इल्ज़ाम लगाए बदकारी का इल्ज़ाम लगाए और फिर चार गवाह ना लाए फजल दो हम समानी ना तो ऐसे बंदे को अस्सी कोड़े मारे जाएंगे गोया कि अगर इस्लामी हकूमत है और इस्लामी हकूमत में कोई बंदा किसी मुसलमान मर्द पर या औरत पर इल्ज़ाम लगा देता है कि इसने गलत काम किया है इसने जना किया है और फिर चार गवाह पेश नहीं करता है तो शरीयत यह कहती है इस्लामी हुकूमत का कानून यह है कि ऐसे बंदे को अस्सी कोड़े मारे जाएंगे वला तकबल शहादत न और फरमाया ऐसे बंदे की गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी और उलाक उमल फ़ासिकोन और ऐसे लोग फासिक व फाजिर शुमार किए जाएंगे अल्दीन ताबू हाँ जो तौबा कर लेता है इस्लाह कर लेता है फिर उसकी शहादत कबूल होगी और वो फासिक व फाजिर की कैटेगरी से निकल जाएगा तो अल्लाह ने कहा मुसलमानों असलमानों मोमिनो ए नबी के साहबा जब तुमने ये अफवाह सुनी ये प्रोपेगंडा देखा कि इन मुनाफिकों ने जना का इल्ज़ाम लगाया हजरत आयशा रहा पर अलैहि जाऊरबात शहदा तो इन लोगों ने चार गवाह पेश क्यों नहीं किए इन लोगों ने चार गवाह क्यों पेश नहीं किए और इन लोगों ने जब चार गवाह नहीं पेश किए तो तुमने यकीन कैसे कर लिया तुमने मान कैसे लिया कि हाँ ये बंदी गलत कर सकती है या इसने जना किया है गलत काम किया है तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए इसलिए कि इज्जत का सवाल है और हमारा कानून ये है हमारा रूल ये है कि अगर कोई किसी पर जना का इल्जाम लगाता है तो उसे चार गवाह पेश करने होंगे चूंकि इन लोगों ने चार गवाह पेश नहीं किए थे इसलिए तुम्हें यकीन भी नहीं करना चाहिए था अगली बात अल्लाह ने यह बयान की फरमा वालकमत फिदिनिया वी आफ तुम फी अदाबीम फरमाया मुसलमानों अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का खसूसी करम ना होता तो इस गलती की वजह से अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा आज़ाब देता बहुत बड़ी सज़ा देता गोया कि पता ये चला कि अगर आप अफवाह पर ईमान नहीं रखते हैं लेकिन अफवाह को आप गलत भी नहीं बताते हैं बल्कि उसे बस तस्लीम कर लेते हैं तो फरमाया ये भी अल्लाह के नज़दीक जुर्म है अल्लाह के नज़दीक ये भी जुर्म है कि आपको मालूम है कि ये चीज़ गलत है आपको मालूम है कि रूल और उसूल क्या है उसके बावजूद भी आप उसे अफवाह नहीं बताते उसे ग़लत नहीं बताते या लोगों को नहीं समझाते कि ये गलत है ये ऐसा है और ये ऐसा है इसमें अल्लाह का कानून ये है फरमाया गोया कि तुम भी मुजरम हो तुम भी गलती करने वाले हो और सुनो ऐ नबी के सहाबा अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का खुसूसी करम ना होता तो अल्लाह तुम्हें भी दुनिया के अंदर अजाब देता तुम्हें परेशानी होती इसी तरीके से अल्लाह आलमीन ने आगे फ़रमाया लूला इस समय तुम कुल तुम मा या थबह ना बहतान के नबी के सहाबा जब तुमने ये बात सुनी तो तुमने अपनी ज़बान से ये क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं हम ये बात नहीं कर सकते हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि हज़रत आयशा रद्ल तह ने गलत काम किया है उन्होंने कुछ गलत किया है सुबह न कहा तुम्हें ये कहना चाहिए कि अल्लाह तेरी जात पाक है हाद बहतान नज़ीम ये तो बहुत बड़ा बुहतान है जो हज़रत आयशा रदिल्ला तर लगाया गया है तो हज़रत आयशा रद्ल तह के इस वाक़े से इस क़ुरानी पैगाम से और अल्लाह रबुलमी की इन आयत से हम और आपको ये बात मालूम हुई कि हम और आप किसी पर भी इल्ज़ाम ना लगाएं किसी पर बहुतान ना बाँधें इसलिए कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा है और अल्लाह ने कहा इसे लोगों के लिए बड़ा आज़ाब और इसीलिए इस वाक़े के अख़ीर में या इस वाक़े से मुतालिक आयत जो ख़त्म हो रही हैं उनके अख़ीर में अल्लाह ने फरमाया इनदी युब्बूना ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बेहयाई बेशर्मी बदकारी फ़हाशी फैले ऐसे लोग सुने ऐसे लोग ध्यान दें लहु मज़ाबनफुनिया वलाखिर ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आख़िरत में भी दर्दनाक अज़ाब है अल्लाम ला तम अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो अलैकुम व व वलोल रऊफुर रहीम और अगर अल्लाह का फ़जल तुम्हारे ऊपर ना होता उसकी रहमत ना होती तो सहाबा तुम्हें भी मुश्किल और परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती लेकिन अल्लाह मेहरबान है अल्लाह रहम करने वाला है लिहाजा अल्लाह रहम कर देता है गलतियाँ माफ़ कर देता है मेरे भाइयों बुज़ुर्गों महतरम नाजरीन हमारी क्या ज़िम्मेदारी है इस वाक़े से क्या पैगाम मिलता है वो ये कि हम किसी पर भी कोई गलत इल्ज़ाम लगाएँ किसी को किसी गलत चीज़ से मनसूब ना करें हमें किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो हम उसकी पर्सनालिटी उसकी शख्सियत या इसी तरीके से उसके इज्जत से खिलवाड़ करने का हक़ शरीत इस्लामिया ने हमें नहीं दिया है हम उसको एक सीधा साधा इंसान समझें उसके बारे में जितना इल्म है उतना ही बाकी रखें उसकी गीबत ना करें उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं उसकी जासूसी ना करें और इसी तरह से अगर हमें किसी के बारे में मालूम हो जाए कि ये गलत करता है या करती है तो हम उस पर पर्दा डालें उसकी ग़लती को छुपाने की कोशिश करें इसलिए कि प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सतर मुसलमन सतरुफ दुनिया वला आखिर जो किसी मुसलमान की गलती को उसके ऐब को उसके गुनाह को और उसकी किसी गलत हरकत को छुपाएगा दुनिया के अंदर अल्लाह ऐसे मुसलमान के राज को ऐसे ूब को उसकी ग़लतियों को कल कयामत के दिन लोगों से छुपा कर रखेगा और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा इसी तरीके से मेरे भाई और बुज़ुर्गों ये पैगाम भी हम और आपको मिलता है कि हम अपने मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए और यह इसी तरीके से अपनी ज़बान के ज़रिए कोई गलत मैसेज कोई गलत बात कोई गलत चीज़ कोई गलत वीडियो कोई फहश वीडियो चाहे वो गाना हो चाहे इसी तरीके से बदकारी वाली चीज़ें या वीडियोस हो इस तरीके की चीज़ें फॉरवर्ड ना करें इसलिए कि मुमकिन है आप तो तौबा कर लें आप तो माफी मांग लें कि अल्लाह मैंने गलत किया था लेकिन जिस बंदे को आपने फॉरवर्ड किया है जिस बंदे को आपने गलत रास्ते पर लगाया है अगर वो तोबा नहीं करता है वो कब तोबा करेगा वो आपको नहीं मालूम लेकिन जब तक वो गलत करता रहेगा क्योंकि आपने रास्ता उसे बताया था आपने गलत चीज़ उसे भेजी थी तब तक आपको गुनाह मिलता रहेगा गोया कि बुराई फैलाना यह आपके लिए अजाब जा है गुनाह जा है इसलिए अगर आप गलती करते हैं तो अपनी असलाह करने की कोशिश करें अगर गलती करते हैं तो उसे दूसरों तक ट्रांसफ़र ना करें आप कोई फिल्म देखते हैं कोई गलत वीडियो देखते हैं तो ठीक है या आप गुनाह करते हैं आपको देखना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप देखते ही हैं तो कम से कम अल्लाह के लिए आप उसे दूसरों तक ट्रांसफ़र ना करें दूसरों को इस रास्ते पर ना लगाएं इसलिए कि मुमकिन है आप तोबा कर लें लेकिन सामने वाला अगर तोबा नहीं करता है उसी रास्ते पर जाता है जिस रास्ते पर आपने लगाया है तो अल्लाह आपके मरने के बाद भी आपके खाते में अकाउंट में गुनाह लिखा जाता रहेगा अल्लाह के फरिश्ते लिखते रहेंगे इसलिए इन पैगाम को इन मैसेजेस को आप समझें कि मायशा रहा किस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है और हम अपने अकीदे की भी इसलाह कर लें जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हज़र आयशा रज़ील् तालौजिल्ला जानिया थी ऐसी थी और ऐसी थी आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले कहते हैं कि हज़रत आयशा रजल्ल् तैनाह जानिया है अल्लाह ने उनकी पाकदामनी उनकी और उनके इज्जत के तल्ल से मजीद के अंदर आयात नाजिल की लिहाजा हम और आप हज़रत आयशा रजाल्ल् त अपनी माँ समझें मुसलमानों की माँ समझें उन्हें मुहदसा फ़ीहर प्यारे नबी सल्ला वसलम की प्यारी और चहेती बीवी समझें और यही हमारा ईमान और रखी होना चाहिए रबालमी से दुआ है Allah, हम और आपको जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने और जहन्नम में ले जाने वाले अमाल से बचने की तोफ़ी खदा फ़रमाएल्ला हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी दे आमीन वनबीकर मना का समी वतुबालीनात तबाबल रहीम सुहानबिका अशदाला वरह वक्त